हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी वुमनिया। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो है, आज का जो वीडियो है मेरा, तो मैं जो है एक ऑयल यूज़ कर रही हूँ थोड़े टाइम से, तो मुझे वो बहुत बेनिफिशियल लगा। 2-3 बॉटल जो है मैं उसकी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि इतना बेनिफिशियल ऑयल है तो मुझे आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए। तो वो ऑयल आप मेरे हाथ में देख सकते हैं बॉटल को। ये बॉटल जो है दिसानो की कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल है। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे और इसकी जो जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल है और बहुत ही सुंदर है, प्लास्टिक की है, तो जो है इसके टूटने का डर नहीं है और इजी वे में आप कैरी भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। ब्लैक कलर का कैप है इसमें, ऊपर से आप देख सकते हैं और आराम से आप इसे बंद करके रख सकते हैं, कहीं भी आपका तेल जो है इससे बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और इसकी जो पैकेजिंग की तीसरी क्वालिटी, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, मतलब आपने कितना यूज़ किया, कितना है इसमें, आपको कब मंगाना है, तो ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको इससे पता चलता रहता है कि इसमें कितना है, कितना हमने यूज़ कर लिया। तो पैकेजिंग बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ पैकेजिंग पे नहीं जाएंगे, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जो कि इसके पैक पर ही लिखा हुआ है। देखिए, कोल्ड प्रेस्ड, सबसे ऊपर लिखा हुआ है दिसानो कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस का मतलब है कि इसको बनाने में जो है किसी भी तरह की हीट का यूज़ नहीं किया गया है, कोल्ड प्रेस तकनीकी से इसे बनाया गया है। तो जब कोल्ड प्रेस से बनाया गया है, किसी तरह की हीट का यूज़ नहीं किया गया है, तो इट मीन्स इसके जो सारे जो नारियल के गुण हैं वो इसमें मौजूद हैं, क्योंकि हीट नहीं लगी इसे, तो इसके जो गुण है वो भी नष्ट नहीं हुए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसका मतलब है कि ये जो ऑयल है वो जो है ये पूरी तरीके से नारियल के सफ़ेद वाले भाग से बनाया गया है, वाइट पार्ट से बना हुआ है, ब्राउन वाला पार्ट यूज़ नहीं किया गया है इसमें बिल्कुल भी। 100% नेचुरल है, मीन्स प्योर जो है कोकोनट का बना हुआ है, अनरिफाइंड है, नो मिनरल ऑयल। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे आजकल जो ऑयल्स आते हैं उसमें जो है मोस्टली मिनरल ऑयल यूज़ होता है, तो मिनरल ऑयल तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, तो इसमें किसी भी तरीके का जो है मिनरल ऑयल यूज़ नहीं किया गया है, 100% नेचुरल है। तीसरी बात करें तो 63% MCF है। 63% MCFA का मीन्स होता है कि ये हमारे वेट को मैनेज करता है और जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ठीक है। बाकी की जो क्वालिटीज़ हैं आप इसमें पीछे लिखी हुई देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल वैसे सभी जानते हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होता है, लेकिन मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रही हूँ तो आपको मैं बताती हूँ कि ये जो कोकोनट ऑयल है, सबसे पहले तो आप जो है इसे स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्किन के लिए कैसे यूज़ करना है, आप इसे मेकअप रिमूवर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, नाइट क्रीम के रूप में यूज़ करते हैं कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, स्किन को ग्लोइंग करता है, तो आप नाइट में से लगा के सोइए और अगर आपने आपको मॉर्निंग तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है आप अगर मेकअप कर रहे हैं तो ये अच्छे मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। कॉटन की फावे में थोड़ा सा लगाइए और अपना मेकअप बहुत अच्छे से इससे रिमूव कीजिए। मेकअप के बाद जो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा टाइडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल सी नज़र आती है, आप थोड़ी देर जो है इस कोकोनट ऑयल को लेकर हाथ में थोड़ी सी हल्के हाथों से आप मसाज कर लीजिए तो आपकी स्किन में वही फ्रेशनेस फिर से आ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात करें तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आपको फाइन लाइंस हैं, थोड़ी बहुत अगर काले धब्बे हैं, निशान हैं फेस पर, तो आप जो है इस ऑयल को नाइट में लगाकर सोइए, हल्के हाथों से मसाज कीजिए, कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आने लगा है। इसके अलावा बात करें तो अगर आपको कहीं रैशेज हैं या कहीं पर हल्का सा अगर जल गया है, रेडनेस आ गई है, तो आप उस पर भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बेबी मसाज में तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बेबी की मसाज आप इससे कर सकते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों की मसाज जो है इसी से की है। मेरी गुड़िया है, मैं उसकी मसाज अभी भी इसी दिसानो के वर्जिन कोकोनट ऑयल से कर रही हूँ, ठीक है। हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आप हेयर्स में जो है स्कैल्प में, क्योंकि इसमें मिनरल ऑयल नहीं है तो, और ये प्योर है तो बिल्कुल भी जो है ये नुकसान नहीं करेगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी करेगा, बालों में कालापन बनाए रखेगा, ठीक है। असमय जो सफ़ेदी हो जाती है बालों में, हम
देखते हैं बाल ब्राउन हो जाते हैं, समय से पहले जो है सफ़ेद हो जाते हैं, लोगों को बहुत शिकायत रहती है। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम ऐसा ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें मिनरल ऑयल है, मिलावट है, बहुत ज़्यादा हीट पे बने हुए, तो उनके जो नेचुरल जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो आप अपने बालों में मसाज कीजिए, इसको नाइट में मसाज कीजिए और मॉर्निंग में आप इसे शैम्पू वॉश कीजिए, तो देखिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बालों की क्वालिटी अच्छी करता है। इसके अलावा जो है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वेट को कंट्रोल करता है, तो आप ऐसे भी 2 चम्मच अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसे कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में कोई भी चीज़ बना सकते हैं, इसमें बहुत टेस्टी बनती है। जैसे कि मैं बनाती हूँ, मैं जो है मोस्टली इसमें बनाना चिप्स बनाती हूँ मेरे बेबी को, और मुझे जो है इसकी बनी हुई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये प्योर है तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है और नेचुरल है और हेल्दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे जो है नैपी रैशेस में भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी की जो नैपी रैशेस हो जाती हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों में तो ये तेल यूज़फुल है ही, इसके अलावा गर्मियों में क्या है कि हम लोग क्या है लोशन वगैरह लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें चिपचिपापन होने लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम नहाने जाते हैं तो नहाने की बाल्टी में अगर हम एक ढक्कन ये वाला एक ढक्कन अगर उस बाल्टी में डाल दें और उसे मिला दें और उस पानी से अगर हम नहाते हैं तो सारी बॉडी को वो जो है मॉइस्चर करता है, नमी रखता है और हमारी बॉडी एक अच्छी फीलिंग आती है, उसमें ड्राइनेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, तभी मैंने इसकी 2-3 बॉटल मंगाई है। और मैंने जो है इसे अमेजोन से मंगाया है, 250 ml की बॉटल है ये, 195 rupees रेट है, लेकिन जो है मुझे 169 rupees की अमेजोन से मिली है, इस पर डिस्काउंट है। तो आप जो है इसे ख़रीदिए और इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। और नारियल का तेल जो है हमेशा प्योर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही बेनिफिट करता है। तो दिसानो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी यूज़ कीजिए और आप इसे अमेजोन से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा यूज़ करके कि आपको ये ऑयल कैसा लगा, मेरी ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप हमारे साथ बनी रहिए, मैं आगे भी जो है जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं उनके ऑनेस्ट रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है दोस्तों। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।